हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दादा तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे फार्माडी कोर्स के बारे में, कहां से सीजीसी लाड रहा। तो जैसा कि आपको सब पता है कि आपके जो ट्वेल्थ के एग्जाम है खत्म हो चुके हैं, सब बच्चों के रिजल्ट भी आ चुके हैं, नीट का एग्जाम भी हो चुका है, उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं, जिसके ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह चल रही है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो फार्माडी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं फार्मेसी के बारे में, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों ने वीडियोज बना रखे, बहुत कम लोगों ने बात कर रखी है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आ चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं फार्माडी कोर्स के बारे में, तो इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स वगैरह मैं क्लियर कर दूंगा कि फार्माडी कोर्स क्या होता है, उसमें कितने टाइम की ड्यूरेशन रहती है, कितने सेमेस्टर होंगे, कितनी फीस होगी, कैसे आपकी एडमिशन है जो होने वाली है सीजीसी लाडरा में फार्माडी कोर्स के लिए, ठीक है, क्या क्या कैरियर ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, कैसे, ठीक है, आपको प्लेसमेंट मिल सकती है, कौन कौन सी कंपनीज में मिल सकती है, टोटल बजट क्या रहने वाला है, यहाँ से करना वर्थ रहेगा या नहीं, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना, ठीक है, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले अगर आपको बता दूं सीजीसी लाडरा क्या है, ठीक है, सीजीसी क्या है, सीजीसी की फुल फॉर्म है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जिसके अंदर दो कैंपस आते हैं, लाडरा कैंपस एंड जेजेडी कैंपस। आज हम बात कर रहे हैं लाडरा कैंपस की। लाडरा एक विलेज का नाम है जहाँ पे सीजीसी का कैंपस है, जो कि चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पे, इसलिए उसको सीजीसी लाडरा बोला जाता है। सीजीसी लाडरा के पास अगर हम बात करें, NAC की A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, NBA का एग्रीगेशन है, PCI अप्रूव्ड है। जब हमको फार्मेसी का कोर्स करना है तो ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से है जो कॉलेज अप्रूव होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो सीजीसी है वो PCI अप्रूव्ड है। तो यहाँ पे आपको जो फार्मेसी का कोई भी कोर्स है, चाहे वो बी फार्मा हो, ठीक है, डी फार्मा हो या फार्माडी हो, ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा कि कौन कौन से कोर्सेज है, कौन से नहीं। अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे यहाँ पे, ठीक है, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाडरा, तो आप सीजीसी लाडरा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको पूरा देखने को मिल जाएंगे कौन कौन से कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं फार्माडी कोर्स के बारे में। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्स, मैनेजमेंट कोर्स, होटल मैनेजमेंट कोर्स, बायोटेक्नोलॉजी कोर्स, फार्मेसी के कोर्स, ठीक है, फार्मेसी की अगर हम बात करें, फार्मेसी में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, टोटल 4 कोर्स है। एक है नॉर्मल बी फार्मा, जो बैचलर ऑफ फार्मेसी होती है, ठीक है, उसके बाद एक है बी फार्मा लेटरल एंट्री, मतलब जो कि सेकंड ईयर से डायरेक्टली आपकी एंट्री हो जाती है। उसके बाद एम फार्मा मास्टर ऑफ फार्मेसी, और जो सबसे इस बार ट्रेंडिंग कोर्स चल रहा है फार्माडी कोर्स है, जो कि ठीक है, यहाँ पे आपका बी फार्मा और एम फार्मा का आप कह सकते हैं कि मिश्रण रहता है, जिसमें कि आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर हम कोर्सेज की बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, ऐसे कुछ कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। हम बात करने वाले हैं स्पेशली डी फार्मा कोर्स के बारे में, ठीक है, यहाँ पे तो आप आ जाएंगे तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर डी फार्मा कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन A to Z दे रखी है। अगर आपको मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो डी फार्मा जो कोर्स है वो आपका बैचलर्स, मतलब कि बी फार्मा और एम फार्मा का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि टोटल 6 साल का एक कोर्स रहता है। ठीक है, इसकी जो ड्यूरेशन रहती है डी फार्मा के कोर्स की ड्यूरेशन रहती है 6 साल के लिए। ठीक है, टोटल इसमें आपको एक फायदा यह मिल जाता है कि आपको एडिशनल है, जो जैसे कि आप फार्मास्यूटिकल्स में कर रहे हैं, ठीक है, दवाइयों के बारे में बहुत अच्छे से जान रहे हैं, उसके साथ साथ आपको डीप नॉलेज अदर चीजों की भी जो दी जाती है। अब जो आप 6 साल का डिप्लोमा डॉक्टरल प्रोग्राम कर रहे हैं वो फार्मेसिकल PCI से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो सीजीसी लाडरा में है, जो मोहाली में कैंपस है आपका, वो PCI अप्रूव्ड एंड अपलिफ्टेड है, एक IKGPT जलंधर से। ठीक है, तो अप्रूव डिग्री आपको मिलने वाली है, अप्रूव कोर्स आपको मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ से डीप फार्माडी का कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए काफी वैल्यूएबल है जो रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप फार्माडी का कोर्स कर रहे हैं तो ये साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजी आपको एक अच्छा फार्मासिस्ट है जो बना रहता है, जिससे कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। उसके बाद इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या मिलने वाले, आपको फार्मेसी की नॉलेज मिलेगी, प्रॉब्लम एनालिसिस मिलेगी, लीडरशिप स्किल मिलेगी, जितने भी ऑब्जेक्टिव है आप जाके वेबसाइट के ऊपर पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोग्राम के बेनिफिट्स के, तो प्रोग्राम के बेनिफिट्स ये है कि आप जो फार्माडी कोर्स करने के बाद फोर फ्रंट आपको फार्मेसी की पूरी एजुकेशन मिल जाएगी। ठीक है, प्रोड्यूसिंग क्लिनिकल एक्सपर्ट्स आप मिल जाएंगे। उसके बाद आपको पेशेंट की पूरी पिवोटल रोल, मतलब जिस तरह से आप जो पेशेंट के बारे में सब कुछ है जो अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो लोग भी फार्मेसी करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको वैसे सब चीजों के बारे में और डिटेल में पढ़ा होगा, बट आप ये सब है जो करियर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आप यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आके पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या कह रहे हैं, तो आप यहाँ पे, ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब फार्मेसी की आप, तो आप किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं या अपनी खुद की शॉप कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप, ठीक है, काम कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोसेस भी अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास फार्माडी की डिग्री है। उसके बाद ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टोटल 6 साल का कोर्स रहने वाला है, 6 साल में टोटल आपके 12 सेमेस्टर्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो 12 सेमेस्टर्स आपके टोटल रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है कि आपके 10+2 में फिजिक्स और जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होने चाहिए। 10+2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होना जरूरी है। उसके अलावा थर्ड सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद ए पास, ठीक है, आपके पास ए पास होना चाहिए डी फार्मा कोर्स करने के लिए, किसी भी जो PCI अप्रूव्ड
कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, जैसे कि यहाँ पे सीजीसी लाड रहे हैं, तो आप वहाँ पे डीपी फार्मा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम आपकी जो 17 साल से जो एज है वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप डी फार्मा डी के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है जो 12th क्लास में होनी चाहिए, तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन है जो सीजीसी लांड्रा के फार्मा डी प्रोग्राम में हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ठीक है, आपका 6 साल का कोर्स रहने वाला है, 12 सेमेस्टर रहने वाले हैं, प्लस टू में फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना आपका इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। उसके अलावा 3rd सब्जेक्ट मैथमेटिक या बायोलॉजी में से कोई भी हो सकता है, और उसमें से आपके अगर मोर देन 60% मार्क्स है तो आप सीजीसी लांड्रा में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है काफी ज्यादा लिमिटेड है, सिर्फ 30-40 बच्चे ही है जो यहाँ पे एडमिशन के लिए लिए जाएंगे। तो जिन बच्चों की एडमिशन लेनी है वो जल्दी से जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, ताकि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो एडमिशन ले सके। उसके बाद अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो टोटल आपका, आपको जैसे कि बताया, टोटल 6 साल का कोर्स रहने वाला है, 12 सेमेस्टर रहने वाले हैं, तो आपका जो टोटल एकेडमिक फीस लगने वाली है वो रहने वाली है 9 लाख रुपीज। तो अगर हम पर सेमेस्टर फीस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 75,000 से 80,000 के बीच में आपके पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है, ठीक है, जो कि वेरी करेगी, जिसमें कभी आपका जैसे कोर्स का खर्चा कुछ ज्यादा हो गया। बट अगर हम एकेडमिक फीस की बात करें, जो फीस आपकी लगने वाली है वो 9 लाख रहने वाली है, तो 75,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस आप कह सकते हैं, टोटल आपके 12 सेमेस्टर रहने वाले हैं, तो 9 लाख रुपीज आपकी एकेडमिक फीस हो गई। उसके अलावा आपको हॉस्टल की फीस पे करनी पड़ेगी, तो 6 साल की हॉस्टल की फीस आप 6 लाख रुपए कंसिडर कर सकते हैं, तो 9 + 6 ठीक है 15 लाख रुपए आपका टोटल बजट लगेगा अगर आप फार्मा डी का कोर्स करते हैं कहां से, सीजीसी लांड्रा से। यहाँ पे आपको एक बार फिर से दिखा भी देता हूँ, ठीक है, टोटल 6 साल का कोर्स है, डॉक्टरल डिग्री है, फुल टाइम कोर्स आपका रहने वाला है, 9 लाख रुपए आपकी टोटल अकेडमिक फीस रहने वाली है, ठीक है। सीट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 30 रहती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो आपकी रहने वाली है 9 लाख रुपए, हॉस्टल फीस आपकी रहने वाली है 6 लाख रुपए, तो टोटल अप्रॉक्सीमेट 15 लाख रुपए आपका टोटल बजट है जो रहने वाला है फार्मा डी कोर्स के बारे में। उसके बाद अवार्ड्स की बात करें, जो सीजीसी लांड्रा को मिले हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बेस्ट फार्मेसी कॉलेज 2015 में, ये सारे अवार्ड्स है जो मिले हुए हैं, ठीक है। लेकिन अवार्ड्स की ज्यादा इतनी मैटर नहीं होती है, आपको मेन बात ये बता दूं कि जो सीजीसी लांड्रा है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया भी था कि IKGPTU जलंधर के द्वारा अप्रूव्ड है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री मिलने वाली है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड करिकुलम आपको जो पढ़ने को मिलने वाला है। उसके बाद जो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलने वाली है वो यहाँ पे, ठीक है, इनमें से किसी एक इंडस्ट्री में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी मिलने को देखने को मिल जाएगी, इंडस्ट्रियल विजिट्स भी देखने को मिल जाएगी, तो आपके लिए काफी अच्छा यहाँ पे मौका रह सकता है। प्लेसमेंट की बात करें, तो जो आपको बेस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे कंपनीज हायर कर रही है फार्मेडी के लिए, फार्मेसी कोर्सेज के लिए, वो रहने वाली सन फार्मा, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, नोवर्टिस, मैनकाइंड फार्मा, ठीक है, यहाँ पे कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, सप्लाई वाली कंपनी है जो यहाँ की टॉप रिक्रूटर्स है। उसके अलावा अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें, तो यहाँ पे नीचे भी आपको सारी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। एवरेज पैकेज है वो अगर हम फार्मेसी कोर्सेज के लिए बात करें, वो 3 से 4 लाख रुपए का रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे फार्मेडी के कोर्स में अच्छी डिग्री हासिल कर लेते हैं, अच्छी स्किल्स हासिल कर लेते हैं, तो आप मिनिमम आप कह सकते हैं कि 10 से 20 लाख का पैकेज भी बहुत ईजिली क्लैक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन कैंपस प्लेसमेंट की बात करें, तो यहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटी है थोड़ी सी कम देखने को मिलने वाली है। बट अगर आप किसी बड़ी कंपनी जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे, ठीक है, सन फार्मा, डॉक्टर पाल लैब, नोवेटिस कंपनी, इन वाली कंपनीज में अगर आप किसी प्रकार से पैकेज जो क्रैक कर पाते हैं, तो आपको 15 से 20 लाख का पैकेज है जो काफी इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, उसके बाद कि यहाँ से जो फार्मेडी का कोर्स करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, तो देखो ये जो कॉलेज है चंडीगढ़ के काफी ज्यादा पास में है, सबसे बजट कॉलेज अगर आप देखते हैं, आपको अगर फार्मेसी का कोर्स करना है, अगर आप किसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पर सेमेस्टर फीस अप्रॉक्सीमेट 1.5 से 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर फीस भरनी पड़ेगी। बट यहाँ पे आपकी टोटल 6 साल की फीस सिर्फ 9 लाख रुपए, जो कि काफी कम फीस है, जिससे कि अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे अच्छे स्टाफ है जरूर मिलने वाले हैं, तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं और बाद में प्लेसमेंट निकाल पाते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा कॉलेज ये रह सकता है। आपको पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने वाली, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आने वाली, उसके बाद आपको इंटर्नशिप लगाने का जो मौका मिलेगा वो आप चंडीगढ़ के किसी भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में लगा सकते हैं, तो चंडीगढ़ काफी ज्यादा पास है, उससे काफी ज्यादा अच्छा होगा, आपको एक्सपोजर मिल जाएगा और आपको इंटर्नशिप्स और जॉब मिलने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू फार्मा डी कोर्स के बारे में सीजीसी लांड्रा से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो, आई होप मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स जो क्लियर कर दियो, लेकिन फिर भी कोई डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।